अब हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखते ही आप समझ लेंगे कि आखिर अमेरिका में बैठे बैठे कश्मीर में दंगा भड़काने, अमन और शांति से बैठे कश्मीर की आबोहवा फिर से खराब करने के लिए पाकिस्तान कैसी कैसी साजिश रच रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कोशिशें क्या हो रही हैं। यहां कोशिशें ये हो रही हैं कि ये लेडी जो है करेन जोधा फिशर, इसका वो जो दिमाग है उसका इस्तेमाल किया जाए, भारत विरोधी दिमाग जिसमें बहुत सारे मुलम्मे चढ़े हुए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के खिलाफ साजिश रची है और यह साजिश आपके सामने है। अमेरिका में लॉबिस्ट के जरिए साजिश का खुलासा भारत से भगाई गई, करेन जोधा अकबर जोधा माफ कीजिए फिशर ने रची है साजिश, और करेन जोधा फिशर के लाइव चैट से यह साजिश सामने आई है। कश्मीर के बहाने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचने की बात सामने आ रही है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती है करेन, और करेन के इसमें इन्वॉल्वमेंट ये दिखा रही है क्योंकि करेन उसकी एडवोकेसी अब से कुछ देर बाद में जब आपको सुनाऊंगा तो आप भी ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि एक एक सीधे से दिखने वाले चेहरे के पीछे इतनी खुराफात हो सकती है क्या। इस न्यूसेंस वैल्यू को पहचाना है पाकिस्तान ने और इसीलिए इसको एज अ कंसल्टेंट हायर किया है अपने इन दोनों ही फर्म्स में जो पब्लिक रिलेशन के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, लॉबिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली है। करेन जोधा फिशर क्या क्या कहती है और क्या कहा है उसने, जरा वो देखते हैं। और अगर एक बार अगर आपने वो देख लिया तो फिर आप समझ जाएंगे उसकी हकीकत क्या है। 2006 से 2016 तक ये हिंदुस्तान में रहकर गई है करेन जोधा फिशर, उसकी आवाज सुनिए। कश्मीर विरोधी साजिशकर्ता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनिए। We are purchasing a software that, like I had explained, and it's quite expensive. It costs about $12,000 a year in dollars. But it allows a database of names to be automatically linked to their representatives in the Congress, in the Senate, I'm thinking even state level, because last year, you may remember, we managed to get that resolution from the New York State Assembly, you know, essentially recognizing Kashmir as a dispute. And that was a major victory. So I think we need to go beyond Washington to the state levels as well. ट्विटर स्पेस पर लोगों से बातचीत करते हुए ये बात उसने कही है, और क्या क्या कहा यह हम आपको बताएंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और समझते हैं ना आप, सॉफ्ट पावर, डिस्क्रीट एंडोर्समेंट, सटल तरीके से कोई बात दिमाग में पोजीशन कर देना, ये जोधा जो लगाया गया है ना, क्योंकि आपके दिमाग में जोधा से जुड़ा हुआ अकबर होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।